है उसे सब रहने के लिए है फ्री में आके ये ला क्योंकि अगर इसको जब खींच भी लेते हैं अगर ये डिकम्पोज होगी सड़ी हुई होगी तो फिर ये हाथ में नहीं आने वाली है इसको हाँ अगर आपको यहाँ से सीढ़ी मिले ना सीढ़ी तो जब ये डेड बॉडी आई तो जहाँ पर पीडीसी डिपार्टमेंट के लोग सर्विस जो करते हैं दो तीन बंदे होते हैं उन्होंने सूचित किया मेरे को कि ऐसे ऐसे जहाँ पर डेड बॉडी आई है। उसके बाद इन्होंने गांव के वाले लोग हमने देखा तो फिर हमने पुलिस को सूचित किया, पुलिस पूरी पहुँची हुई टीम जहाँ पर पहुँच गई है पुलिस की। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो जो डेड बॉडियाँ आ रही हैं कम से कम इस साल भी तीन डेड बॉडियाँ हैं। अभी दो महीने पहले भी जो डेड बॉडी आई तो वो ऑटो से लड़का गिरा। जो जे पीडीसी की नहर है उसमें कोई भी फेंसिंग नहीं है तो सीधा अगर बंदा टकराता है थोड़ा बहुत तो सीधा नहर में चला था, निकलने के लिए सेफ्टी के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं डिपार्टमेंट से पहले भी हमने बड़ी दफ़ा रिक्वेस्ट किया और आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें फेंसिंग की जाए जहाँ पर माल पशु जो भी है जो लोगों की सेफ्टी हो सके। पहले भी आज से कोई छः महीने पहले जो हिरण गिरा था बड़े मुश्किल से लोगों ने मुस्तर करके दो तीन बंदों ने उसको बांध के निकाला कि पानी इतना होता है कि बंदा बांध से निकल नहीं पाता और ना इनकी कोई सेफ्टी है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ इसमें फेंसिंग लगवाई जाए जिससे कि जो लोगों की सेफ्टी की जाए। तो जो ये डेड बॉडी आज मिली है इस साल कम से कम तीन डेड बॉडियाँ मिली हैं। जो आज जो डेड बॉडी मिली है ये पहचानी नहीं गई है ये लोकल है जहाँ बाहर की है, लेकिन अभी निकालेंगे तो पता चलेगा। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जो अगर फेंसिंग लग जाए तो लोगों की सेफ्टी होती है, हर एक चीज़ की सेफ्टी होती है। जो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उनसे उधमपुर शहर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी मेरे कहने का यही मतलब है कि कम से कम मैं यही सूचित करना चाहता हूँ सभी से आपके माध्यम से कि हर एक चीज़ की सेफ्टी की जाए। जैसे डेड बॉडी है पीछे जो लड़का गिरा, एक पहले लड़का गिरा इससे कोई साल एक पहले, तो वो किचड़ में घुस गया, किचन में गरीब घर का लड़का था। तो फिर हमने पीडीसी डिपार्टमेंट को हमने नहर बंद करवाने के बाद नौवें दिन उसकी लाश मिली थी, पूरा किचड़ में चला था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से इतना पानी होता है कि जब से अगर डेड बॉडी पानी किचड़ में घुस जाती है तो उसको कोई पता नहीं चलता कहाँ है, फिर परेशान होकर नहर बंद करवानी पड़ती है। नहर बंद होने के बाद उसकी डेड बॉडी मिली बेचारे के, नौवां दिन था उस दिन। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी सेफ्टी की जाए।